जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। अली ग्रुप में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस घर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, ये 8 मरले का घर है जिसकी लोकेशन इडन बुलेवार्ड कॉलेज रोड लाहौर है। इस 8 मरला घर में आपको 1 कनाल की अकोमोडेशन मिलती हैं। अमूमन 1 कनाल या फिर 10 मरला में आपको 5 बेडरूम्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको 6 मास्टर बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम्स मिलते हैं। ये जो घर है A+ क्वालिटी में इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इस तरह के 8 मरले में आपने पहले घर नहीं देखे होंगे। सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन देखें, क्लासिकल लुक दी गई है फ्रंट एलिवेशन को। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट एलिवेशन पे टोटली रॉक वॉल है, मोल्डिंग्स हैं और इसी तरीके से खूबसूरत मोज़ाइक वॉक है जहाँ पर माशा अल्लाह लिखा गया है। इस प्लॉट का जो साइज़ है वो 24 फीट बाई 75 फीट है। 24 फीट इसका फ्रंट है, 75 फीट इस प्लॉट की डेप्थ है। और अकोमोडेशन के हवाले से आपको बताते चलें, इस घर में 6 मास्टर बेडरूम्स हैं, 2 इसमें किचन्स हैं, 2 टीवी लॉन्ज हैं, ड्राइंग और डाइनिंग है। कार पार्किंग के लिए एक बड़ा आपको गैरेज मिल जाता है। ऊपर रूफ टॉप पर अगर आप देखते हैं तो आपको खूबसूरत मार्बल वॉक मिल जाता है। अब मेरे साथ आगे आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका गैरेज है जिसमें एक बड़ी गाड़ी आप बासानी खड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको खूबसूरत सिटिंग एरिया भी मिलता है। यहाँ पे अगर आप गाड़ी पार्क करना चाहें तो आप एक गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। आउटिंग में यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर भी आपको सिटिंग एरिया मिलता है। आगे आते हैं गैरेज में तो यहाँ पर यह खूबसूरत मोज़ाइक वॉक है जहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद और लफ्ज़ अल्लाह लिखा गया है। यहाँ पर भी मोज़ाइक वॉक है। अच्छा, ऊपर नीचे आप दोनों पोर्शंस को बिल्कुल सेपरेट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सेमी फर्निश्ड ये घर है। इस घर में सीलिंग फैंस, कर्टन्स, किचन के अंदर काफ़ी सारे आपको एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। इस घर में सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं और इस घर में जो कर्टन्स हैं, जो लाइट्स हैं, वो टोटली ऑटोमेटिक है। मोबाइल से भी आप पूरे घर को ऑपरेट कर सकते हैं। और इस घर की जो लोकेशन है वो इडन बुलेवार्ड सोसाइटी है। और इडन बुलेवार्ड के हवाले से आपको बताते चलें कि कॉलेज रोड पे ये सोसाइटी लोकेटेड है। इस सोसाइटी की जो लोकेशन है शौकत खानम से, वाबडा टाउन से महज 5 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। और इस घर की जो प्राइस है वो 3.5 करोड़ है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऊपर वाले पोर्शन को आप इस लॉबी से बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। इस साइड पर आपका ड्राइंग रूम एरिया आता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई ताहिर फहीम भाई का प्रोजेक्ट है, बेटर होम्स के नाम से ये काम करते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। अब मेरे साथ अंदर है, मैं आपको अंदर भी डिटेल से घर विजिट कराता हूँ। ये जी ड्राइंग रूम एरिया है। सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम जरा डिटेल से दिखाते हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के दरमियान में आप देख सकते हैं पार्टीशन भी है, दोनों को आप बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। और ड्राइंग रूम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है जहाँ पे 3D वॉलपेपर वर्क है, फायरप्लेस है और बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो कर्टन्स भी हैं। अच्छा, पूरे घर में जो कर्टन्स हैं, जो लाइट्स हैं, वो ऑटोमेटिक भी हैं, 1 टच के साथ आप मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ड्राइंग रूम का आप टीवी लॉन्च वाली साइड से फुल व्यू देख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखते हैं ड्राइंग रूम में तो ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है जहाँ पर खूबसूरत फानूस है और बिल्कुल सामने वही कर्टन्स हैं। ड्राइंग रूम में अगर नीचे देखते हैं तो ये जी वुडन कलर में आपको खूबसूरत टाइल्स का काम मिल जाता है। और मज़ीद इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत 3D वॉलपेपर वर्क है। क्लोज करके आपको हर चीज़ दिखा रहे हैं ताकि फ्लोर प्लेन समझने में, घर का डिज़ाइन देखने में आपके लिए काफ़ी आसानी हो। अगर आप इस घर को दियार गैर से देखते हैं तो आपको परचेज़ करने में कोई मुश्किलात ना हो। ये जी आप देख सकते हैं ये खूबसूरत फायरप्लेस है। और मज़ीद इस साइड पर अगर देखते हैं तो टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम को आप यहाँ से बिल्कुल दरमियान से सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं ज़रा ये डोर क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाए कि आप इसको बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जी आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम को दरमियान में सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपकी एक बापरदा फैमिली है तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छी ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ से लिए चलता हूँ बाहर टीवी लॉन्च की तरफ और टीवी लॉन्च से आपको यहाँ से लॉबी की तरफ लिए चलता हूँ। अच्छा, ये डोर डिज़ाइन आप देख सकते हैं खूबसूरत। यहाँ पे ये सॉलिड डोर्स हैं, ये सेमी सॉलिड नहीं है बल्कि सॉलिड हैं। आप आके मौके पे भी विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लॉबी एरिया है। ऊपर वाले पोर्शन को अगर आप बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं
तो आप यहाँ से बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जी आपका पाउडर रूम एरिया आ जाता है, और बिल्कुल सामने अगर देखते हैं तो ये आपका टीवी लॉन्च एरिया है। इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी वॉल पे खूबसूरत वुडवर्क है, ऊपर अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, और ये जी खूबसूरत फानूस है, और इस साइड पे ये वही स्टेयर डिज़ाइन आ गया। और ये जी आपका पाउडर रूम है। आपको एक दफ़ा यहाँ से भी सिर्फ फुल व्यू करवा दूँ, ये फुल व्यू भी आप लॉबी का कर सकते हैं। और यहाँ से आपको लिए चलते हैं अंदर टीवी लॉन्च की तरफ। हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो में बिल्कुल भी कटिंग ना हो, ताकि वन गो के साथ आप पूरा घर विजिट करें। यहाँ पे टीवी लॉन्च में अगर देखते हैं तो ये ओपन किचन है, उसके साथ अगर आप देखते हैं तो आपका आबशार एरिया आता है। बिल्कुल सामने ग्राउंड फ्लोर के दो बेडरूम्स हैं, और इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी आपका इलेक्ट्रिक फायरप्लेस है। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, ये टीवी लॉन्च का फुल व्यू देख सकते हैं। बिल्कुल सामने खूबसूरत मीडिया वॉल है। इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये आपका ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के दरमियान में पार्टीशन एरिया है, दोनों को आप बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये किचन वाली साइड से आप फुल व्यू कर सकते हैं टीवी लॉन्च का। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये टीवी लॉन्च में खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, फानूस है, और नीचे अगर देखते हैं तो पूरे घर में 2 फीट बाय 4 फीट टाइल्स का काम है। पूरे घर में खूबसूरती से टाइल वॉक है, और एक ही साइज़ के यहाँ पे टाइल्स हैं। आपको फायरप्लेस ज़रा क्लोज करके दिखाते चलें। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत मार्बल है, और उसके साथ ही नीचे ये आपका इलेक्ट्रिक फायरप्लेस है। इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये मीडिया वॉल आप क्लोज करके देख सकते हैं। सेमी फर्निश्ड ये घर है, काफ़ी सारी आपको घर में एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। इस एंगल से भी आप फुल व्यू कर सकते हैं। आपको लिए चलते हैं आगे किचन की तरफ। ये जी किचन एरिया है, खूबसूरत अंदाज से किचन को डिज़ाइन किया गया है। सॉलिड ये किचन है, क्लासिक लुक दी गई है किचन को। किचन में अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो ये माइक्रोवेव ओवन है, काफ़ी सारी आपको एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। नीचे किचन में खूबसूरत आपका टाइल वॉक है, और इस साइड से आप देख सकते हैं ये किचन के साथ ही आपका ये फाउंटेन एरिया है। यहाँ पे ये खूबसूरत आबशार सिस्टम है, प्लांट्स लगाए गए हैं। इस एरिए को आप बतौर लॉन्ड्री भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऊपर से ये बिल्कुल ओपन भी है। आपको मैं ज़रा ये चला के भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी चल चुका है, क्लोज करके भी आप देख सकते हैं। अब आपको आगे लिए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के मास्टर दो बेडरूम्स की तरफ। ये ग्राउंड फ्लोर के दो मास्टर बेडरूम्स हैं। ये जी ग्राउंड फ्लोर का पहला मास्टर बेड है। इस बेडरूम में ये खूबसूरत बेड वॉल है, जहाँ पे खूबसूरत 3D वॉलपेपर वर्क है, वुड वर्क है। इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी वार्डरोब्स हैं इस बेडरूम के लिए। बिल्कुल सामने अटैच वॉशरूम है, कर्टन्स हैं, विंडो है, और इस साइड पे ये आपका मीडिया वॉल एरिया है। और ऊपर अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत इस बेडरूम में सीलिंग डिज़ाइन है, और नीचे इस बेडरूम में वही 2 फीट 4 फीट खूबसूरत टाइल वॉक है। मज़ीद आगे चलते हैं तो ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, खूबसूरत अंदाज से वॉशरूम को डिज़ाइन किया है। बिल्कुल सामने ये वॉशरूम में आप देख सकते हैं ये कमोड एरिया है, जो कि वॉल फिटेड है, और इस साइड पे ये सेपरेट आपका शावर केबिन है। अमूमन ये ऑप्शन आपको बड़े घरों में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत बेसन एरिया है। यहाँ पे ये आप क्लोज करके भी देख सकते हैं, एक स्टेप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, और वॉशरूम में नीचे देखते हैं तो ये खूबसूरत टाइल वॉक है। वॉल्स पर भी आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वॉक। क्वालिटी पे किसी हवाले से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं ये बेडरूम का फुल व्यू है। ऊपर इस बेडरूम में वही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, जो कि आप देख चुके हैं। मज़ीद आपको लिए चलते हैं बाहर टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी टीवी लॉन्च का इस साइड से आप फुल व्यू कर सकते हैं, और बिल्कुल इस साइड पर यह ग्राउंड फ्लोर का दूसरा मास्टर बेड है। इसमें भी बिल्कुल सामने विंडो है, अटैच वॉशरूम है, और ये इस साइड पर खूबसूरत बेड वॉल है, जहाँ पे 3D वॉलपेपर वर्क है। और ये जी आप देख सकते हैं वार्डरोब्स हैं इस बेडरूम के लिए, और यहाँ से आपको बेडरूम के ज़रा फुल व्यू करवा दूँ। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये इस बेडरूम में खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, और नीचे इस बेडरूम में नीचे वही 2 फीट 4 फीट टाइल वॉक है। आगे लिए चलते हैं आपको अटैच वॉशरूम की तरफ। ये जी इस बेडरूम का वॉशरूम है, वॉशरूम में वॉल्स पर खूबसूरत टाइल वॉक है, शावर एरिया है, और ये आपका बेसन एरिया है, और यहाँ पे ये कमोड एरिया है। वॉशरूम में भी नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वॉक है। अच्छा, इस घर की जो लोकेशन है
वो वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बता दी है। इडन बुलेवार्ड, कॉलेज रोड, लाहौर, इस घर की लोकेशन है। इस घर की जो प्राइस है वो 3,50,00,000 है। 3,50,00,000 इस घर की डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल है। ग्राउंड फ्लोर आप डिटेल से विज़िट कर चुके हैं, अब आपको लिए चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये जी खूबसूरत ऑस्ट्रिया डिज़ाइन देख सकते हैं। ये जी हम आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये राइट साइड पे बाहर आपका फ्रंट पे टेरेस एरिया आता है, और ये लॉबी में खूबसूरत मोज़ेक वर्क है। बिल्कुल सामने अगर देखते हैं तो ये जी टीवी लॉन्च एरिया है। ऊपर ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। ऊपर नीचे जाने के लिए ये जी स्टेयर्स हैं। आपको बाहर टेरेस एरिया भी दिखा देते हैं। ये टेरेस एरिया है, यहाँ पे पर्दा लगा के आप इस एरिया को बिल्कुल सेपरेट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। खूबसूरत यहाँ पे टाइल वॉक है, और ये ओपन में भी अगला हिस्सा इसका आ जाता है टेरेस का। यहाँ पे भी आप ओपन में सिटिंग वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाहर आप सराउंडिंग एरिया भी देख सकते हैं। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आबादी है, आस पास यहाँ पर लोग रह रहे हैं। काफ़ी ये आबाद सोसाइटी है, और लाहौर शहर के बिल्कुल अंदर ये सोसाइटी आती है। मज़ीद आगे चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी लॉन्च एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं ये ओपन किचन है, और बिल्कुल सामने दो बेडरूम्स आ जाते हैं। और ये टीवी लॉन्च का फुल व्यू है। बिल्कुल सामने खूबसूरत मीडिया वॉल है, और ये इस साइड पर फ्रंट वाला बेडरूम है। फ्रंट वाले बेडरूम के साथ ही ये बाहर वही आपका लॉबी एरिया है। या फुल व्यू ज़रा करते जाएं। ऊपर ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आप फानूस के साथ देख सकते हैं, और ये जी खूबसूरत मीडिया वॉल है जहाँ पे ये खूबसूरत वुड वॉक है। बैक साइड पे 3D वॉलपेपर वॉक है, और ये नीचे मीडिया कंसोल है। और ये फ्रंट वाला बेड है, उसके साथ ही आपका बाहर लॉबी एरिया है। बिल्कुल सामने किचन है। इस एंगल से भी आप ज़रा फुल व्यू कर दें। बैक वाले दो बेडरूम्स आ जाते हैं। ऊपर अगर देखते हैं तो ये वही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, फानूस है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपका जो किचन है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आप देख चुके हैं, वही किचन को क्लासिक लुक दी गई है। खूबसूरत अंदाज से इस किचन को भी डिज़ाइन किया गया है। अब आपको लिए चलते हैं आगे बेडरूम्स की तरफ। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड है, इसमें ये मीडिया वॉल है। बिल्कुल सामने जी विंडो है, कर्टन्स हैं, सेफ्टी ग्रिल्स हैं विंडोज़ के साथ। बिल्कुल सामने अटैच वॉशरूम है, यही साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वार्डरोब्स हैं, और इस बेडरूम में नीचे आपको वही 2 फीट 4 फीट टाइल्स का काम मिल जाता है। पूरे घर में सेम टाइल्स हैं। ऊपर ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, और आपको लिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, इसमें भी बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कमोड एरिया है जो कि वॉल फिटेड है। शावर केबिन है बिल्कुल सेपरेट, और उसी तर्ज पर जो आप नीचे देख चुके हैं वही बेसन एरिया है। एक स्टेप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑफिशियल आपके प्लांट्स हैं। आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी टीवी लॉन्च एरिया है। टीवी लॉन्च का फुल व्यू इस साइड से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर का दूसरा मास्टर बेड है, इसमें भी बिल्कुल सामने आप विंडो देख सकते हैं। अटैच वॉशरूम है खूबसूरत, इस साइड पर यह बेड वॉल है, यहाँ पर ये वार्डरोब्स हैं। और इस बेडरूम में भी नीचे सेम उसी कलर में उसी साइज़ का टाइल वॉक है। ऊपर इसमें ये आप सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है। काफ़ी बड़े साइज़ में वॉशरूम को यहाँ पे भी डिज़ाइन किया है। इसमें बेसिन एरिया है, कमोड है। बिल्कुल सामने आप बतौर शावर केबिन भी सेपरेट कर सकते हैं शावर एरिया को। अब आपको आगे लिए चलते हैं फ्रंट वाले मास्टर बेडरूम की तरफ। ये जी ऊपर का टीवी लॉन्च एरिया है, और बिल्कुल सामने अगर देखते हैं तो ये जी फ्रंट वाला मास्टर बेडरूम है। इसमें बिल्कुल सामने विंडो है, कर्टन्स हैं, अटैच वॉशरूम है। यही साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है। ऊपर अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। नीचे आप देख सकते हैं वही खूबसूरत टाइल वॉक है, और यहाँ पर ये आपके वार्डरोब्स हैं। फ्रंट वाला बेड भी आप साइज़ के हिसाब से देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा आपका मास्टर ये बेडरूम है। चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। ये जी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, इसमें बिल्कुल सामने बेसिन एरिया है, शावर एरिया है, और इसमें नीचे आप देख सकते हैं डब्ल्यू सीट लगाई गई है। वॉल पे खूबसूरत टाइल वॉक है। अच्छा, इस घर की आपको प्राइस बता दी थी, 3,50,00,000 इस घर की डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं
तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विजिट कर सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे आखिरी मास्टर बेड है। दो बेड आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देख चुके हैं, तीन आप फर्स्ट फ्लोर पे देख चुके हैं, और एक आखिरी बेड ये अब सेकंड फ्लोर पे देख रहे हैं। यहाँ पे सामान स्टोर करने के लिए स्पेस है, और ये जो बेड है इसके साथ भी ये विंडो है, अटैच वॉशरूम है बाकायदा, इस साइड पे वार्डरोब्स हैं, और ये नीचे मार्बल वॉक है। बाहर पूरे फ्लोर पे आपको मार्बल का काम मिल जाता है। 3.5 करोड़ इस घर की डिमांड है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप आइएगा, इस घर को विज़िट कीजिएगा। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने नेक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।